जैसे कि आप देख रहे हो, मैं जांजीबार के लिए निकला हूँ आरुषा से। आरुषा में नाइट आउट मैंने मारा है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा पॉइंट था, ब्रेवो पिज़्ज़ा, जहाँ पे बहुत ही फेमस है। सभी टूरिस्ट वहीं पे खाना खाते हैं, बहुत आते हैं टूरिस्ट। तो मैं भी वहाँ पर चला गया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बहुत ही टेस्टी था, मार्गरेटा पिज़्ज़ा था इसका नाम। और मैंने यहाँ से अपने टूर की शुरुआत की, सोलो ट्रैवल की, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी स्टार्टिंग। देखिए कितना लजीज लग रहा है ये पिज़्ज़ा, मुंह में पानी आ रहा है देखते ही। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था ये, देखिए, मतलब अभी भी देख के जैसे मन कर रहा है कि खा ही जाए। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था, आप भी ज़रूर आएँ और आप भी ज़रूर खाएँ। ये मेरी कुछ क्लिप्स हैं वहाँ की जो मैं एंजॉय किया था। और फिर हम रात को निकल लिए थे आरुषा क्लॉक टावर की तरफ। मेरी सुबह बस थी 5:30 बजे, तो वहाँ का क्लिपर है। यहाँ पे मेरी बस थी, जो शटल बस थी, जो यहाँ आरुषा क्लॉक टावर से किलिमांजारो एयरपोर्ट के लिए जाती है, जो कि सुबह 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे निकल जाती है आरुषा से। ये देखिए मैं बस में बैठा हूँ, एसी एसी बस है। ये बस से मैंने कुछ पिक्स क्लिक की थी। और जैसे ही सुबह मैं करीब करीब 7 बजे एयरपोर्ट पे पहुँच चुका था। ये मेरी वीडियो है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये किलिमांजारो एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। आप अगर आओगे तो बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत बड़ा एरिया है और बहुत ही साफ सफाई है। और छोटा सा एयरपोर्ट है, आप चेक इन विद इन हाफ एन आवर में आप आराम से अपने चेक इन कर सकते हैं। मैंने थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाने की कोशिश की है। देखिए बहुत ही कम फ्लाइट्स आती हैं, दिन की 8-9 फ्लाइट्स आती हैं बस यहाँ पे। बहुत ही अच्छा मौसम था, मौसम और व्यू देखिए, बड़े बादल इतने, बारिश का मौसम था, इतना ठंड थी, मैंने तो जैकेट पहनी थी। आप भी जैकेट पहन के आए। मैंने जो फ्लाइट बुक की हुई थी वो थी एयर तंजानिया, जो कि ये सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी फ्लाइट है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको भी इसी फ्लाइट में जाना चाहिए। अच्छी सर्विस है, क्लीन है, सीट्स क्लीन है और वॉशरूम अच्छा है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी है। यहाँ मोस्टली टूरिस्ट ही जाते हैं। और ये कंट्री तंजानिया है, तो केनिया के कुछ लोग और बाकी टूरिस्ट ही होते हैं, जैसे कि मैं गया था साउथ अफ्रीका से। आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस है। एंट्री कर ली है इकोनॉमिक क्लास की, बहुत ही अच्छे था। देखिए मेरी सीट मैं ढूंढ रहा हूँ, 19 में भी 19 समथिंग थी मेरी सीट, 19B। कुछ मुझे इंडियंस भी मिले थे, बट इंडियन बहुत ही रेयरली मिलते हैं यहाँ पे। एक दो इंडियन मिल जाएंगे तो काफ़ी है, अदरवाइज सभी टूरिस्ट ही होते हैं अनदर कंट्री। एक्चुअली मेरी सीट विंडो वाली थी, इंडियन था जो जांजीबार जा रहा था। मैडम बैठ गई थी, ये वाले मैडम, ये एक्चुअली मेरी सीट पे बैठ गए थे। मुझे कंफ्यूजन था कि मेरी विंडो वाली है कि यहाँ पे साइड वाली है, तो मैंने एयर होस्टेस को बोला कि मेरी विंडो वाली है, तो बोलती हाँ आपकी विंडो वाली है। तो मैं इनको उठाना नहीं चाहता था, पर एयर होस्टेस ने इनको खुद ही बोल दिया कि मैम ये इनकी सीट है।
तो इन मैम को उठना पड़ा, उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूँ। हाँ मेरी 9E थी विंडो की साइड, मैडम उठ गए थे और फिर मुझे बैठना, फिर मैं बैठ गया, पर वो गुस्सा नहीं हुए, वो भी मेरे ख्याल गलती से बैठ गए थे। और ये देखिए किलिमंजारो का व्यू है, इतना सुंदर, और यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है इसमें, इसमें डिस्प्ले नहीं थी, टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं थी, वो अमीरात में मिलेगी, उसका मैं आपको वीडियो बताऊँगा। जब मैंने अमीरात में ट्रैवल किया था तो उसमें टच स्क्रीन थी, और ये आप देख सकते हो ये व्यू है यहाँ का, और पूरा इंजॉय आ रहा था, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था सोलो ट्रैवल करने का। और ये बाहर का व्यू है, साइड के बाहर का, ये कुछ मेरी पिक्स थी एयर तंजानिया के अंदर की, बहुत ही नीट एंड क्लीन हाइजीन था। और ये बाहर से बाहर विंडो के बाहर का व्यू है, देखिए बहुत ही नहीं, किसी का प्राइवेट जेट था तो मैंने बोला कि चलो इसको कैप्चर कर लेते हैं अपनी वीडियो में, फिर पता नहीं कब आना रहेगा मेरा किलिमंजारो में। बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है, पर सामने से एक दूसरी फ्लाइट लैंड हो रही है, वो देखिए वो प्रिसीजन एयरवेज की थी जो कि केनिया से ऑपरेट होती है। देखिए जंगल सफारी कि क्या सुंदर व्यू है ऊपर से किलिमंजारो का, बहुत ही सुंदर दिलचस्प।
just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us.